हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जारी हो चुकी है। सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की जो कार्रवाई है अब वो जारी हो चुकी है, सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट। और सरकार अपना बहुमत आज जो है वो साबित करेगी। और ये भी बता दें कि इसी बीच जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा, इसके बाद जेजेपी अपने विधायकों को अपने खेमे में लाने के लिए लगातार जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है और सभी विधायकों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। और इसके बावजूद बीजेपी के लिए समर्थन में जेजेपी के विधायक आते हुए नजर आ रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 विधायक बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि जेजेपी के विधायक देवेंद्र पब्ली भी जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। व्हिप जारी होने के बाद भी वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो है अब जारी हो चुकी है और सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट जो है बहुमत साबित करेंगे। ये भी बता दें कि व्हिप जारी होने के बावजूद विधानसभा पहुंचे देवेंद्र पब्ली। तो ये बड़ी जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं। हरियाणा में अब जब सरकार का परिवर्तन हो रहा है तो फ्लोर टेस्ट का बीच जो है जेजेपी के विधायक भी पहुंचने लगे हुए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई अब जारी हो चुकी है, सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट अब चल रहा है और कहीं ना कहीं अब जेजेपी डरती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सदन की कार्यवाही के साथ ही यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी देर पहले ही जेजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया और व्हिप तीन लाइन का जारी किया गया है, जिसमें ये हिदायत दी गई है जेजेपी विधायकों को कि वो सदन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहे, क्योंकि यहाँ पर सैनी सरकार को बहुमत साबित करना है। बहुमत का आंकड़ा हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी जेजेपी ने यहाँ पर व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी होने के बावजूद देखिए जेजेपी के विधायक हैं ज्योतिराम सिहाग, वो सदन में पहुंचे हैं। इसके अलावा खट्टर सरकार में मंत्री रहे हैं देवेंद्र बब्लू, वो भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी सदन की कार्रवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इस वक्त इंतजार अनिल विज का भी किया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अभी साथ अभी भी खड़े हैं, जब भी पार्टी को जरूरत पड़ेगी उनके साथ वो ढाल बन के खड़े रहेंगे। थोड़ी ही देर में वो विधानसभा की कार्यवाही में पहुंचने वाले हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में ही बहुमत परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। ईशा, जिस तरीके से अब सैनी सरकार अपना फ्लोर टेस्ट करने में लगी हुई है, अगर बात विपक्ष की कर लें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब डरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अगर बीते दिन की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली के लिए कूच किया था और आज भी व्हिप जारी कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष के मन में भी डर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्यवाही भीतर शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के विधायक बीपी बत्रा ने जिस तरीके से ये विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। उनका सदन के भीतर कहना है कि इमरजेंसी में ये बैठक बुलाई गई है और शॉर्ट नोटिस में बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ तस्वीर दिखा देते हैं, अनिल विज यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। बीते कल विधायक दल की बैठक से वो नाराज हो गए थे, लेकिन अब अनिल विज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के। और अनिल विज को आप तस्वीरों में देखिए कि अनिल विज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, काफी देरी से उनका इंतजार भी किया जा रहा था। जिस तरीके से नाराज होकर निकले थे, लेकिन उसके बाद अंबाला में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से अनिल विज यहाँ पर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अनिल विज। और इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आलाकमान ने इन्हें मना लिया है। अनिल विज यहाँ पर पहुंच गए हैं सदन की कार्यवाही में। और जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कार्यवाही में और जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। शॉर्ट नोटिस पे ये सदन बुलाया गया है, तो ऐसे में ज्ञानचंद गुप्ता जो कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर है, उन दोनों के बीच जो है विवाद बढ़ा है। आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद आधे घंटे के बाद जब सदन की कार्यवाही यहाँ पर दोबारा शुरू होगी तब देखना होगा कि यहाँ पर जेजेपी के कितने विधायक पहुंचते हैं और कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बुलाती है। जी
ईशा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज चल रहे थे और अब अनिल विज भी वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब बीजेपी जो है अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है और अपने खेमे के जो विधायक मंत्री जितने भी लोग थे उन्हें एकजुट करने के लिए बीजेपी लगातार वहां पर कयासरत नजर आ रही है और ऐसे में आज सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट है, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम अनिल विज की बात करें तो 2014 से पहले बीजेपी की स्थिति हरियाणा में अच्छी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में जान फूंकने का किसी ने काम किया था तो वो अनिल विज हैं। 2014 में पूर्ण बहुमत से यहाँ पर फिर सरकार बनती है, 2019 में बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, 90 विधानसभा सीटें हैं, 40 का आंकड़ा है। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से हमेशा ही 2014 और 2019 की बात करें उनका नाम सबसे ऊपर रहता है कि उन्हें जिस तरीके से 6 बार विधायक बने हैं तो ये हमेशा 2014 में भी माना जा रहा था वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनका पत्ता कट जाता है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद 2019 में भी ऐसा होता है। और नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, जिस तरीके से उनका नाम ऑब्जर्वर ने रखा, जिस तरीके से ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, उनकी तरफ से भी जिस तरीके से कहा गया कि नायब सिंह सैनी होंगे मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर से भी नाराज दिखे अनिल विज। और विधायक दल की बैठक अंदर बीच में छोड़ के बीते, कल वो रवाना हो गए थे अंबाला और शपथ समारोह में भी वो नहीं पहुंचे, लेकिन ये लगातार सिलसिला अनिल विज का देखा गया। तो क्या कांग्रेस की तरह है बीजेपी में भी अब अंदरूनी कला देखने को मिल सकती थी? क्या अनिल विज बीजेपी से नाराज चल रहे थे क्योंकि लगातार उनका सीएम पद से जो लगाव है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा था? देखिए 2019 और 2014 में ऐसा ही हुआ अनिल विज के साथ, लेकिन अब देखिए उनका अनिल विज की तरफ से सदन की कार्यवाही में चले गए हैं भीतर और हिस्सा ले रहे हैं सदन की कार्यवाही में, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ से अंबाला में जहां वो रहते हैं अंबाला सिटी में वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अनंत भक्त हैं, जब भी बीजेपी को जरूरत उनकी पड़ेगी और बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। इससे साफ तस्वीर झलकती है, जिस तरीके से मुस्कुराहट उनकी देखने को मिली अभी विधानसभा के भीतर जाने से पहले, तो बीजेपी आलाकमान ने उन्हें मना लिया है। और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पूर्ण रूप से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे कि हालांकि यहां पर देखिए बहुमत का आंकड़ा 40 है और 6 निर्दलियों की तरफ से यहां पर बीजेपी बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई वरी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं। ऑनरेबल मंत्री जी, माल का माल कर अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, व्हाट इज द इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना, गवर्नर गवर्नर किस के उस पर करता जब है, अभी गवर्नमेंट गवर्नर जब गवर्नर जो है गवर्नमेंट के उस पर करते हैं, जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण आया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। एक मिनट जब वो बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा मैं क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं नहीं, दिस इज नॉट नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक बात चल रही थी, बड़ा सेंसिटिव इश्यू था समनिंग ऑफ दीव्स के ऊपर, और आप भी जो है उस रूल्स के तहत पूरी तरह से आप जो है आप समझते हो, जानते हो और उसी के हिसाब से आप चलते हो। लेकिन मेरा सबमिशन ये है स्पीकर सर कि जब किसी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैं ऐसा नहीं है, आप अपना देखिए, ऑनलाइन चेक करिए, मैं आपको आपकी मेल चेक करिए, आपके पास चुनाव विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो चुकी है, समनिंग मेल के जरिए आपको शाम कल रात को इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है जब चल रही थी बात, तो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को मांगी हम, तो मैं जब बेआबरू होके निकले, हाँ जी हाँ जी, इतने तो बदनसीब भी नहीं थे जफर कि तेरे दयार में दो जमीन भी ना मिली,
स्पीकर सर, या तो उसकी जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर दे। जस्टिफिकेशन सरकार देगी जब वो प्रस्ताव प्रस्तुत हो पार्लियामेंट्री अफेयर प्रस्तुत होने दो ना, सरकार देगी इन्फॉर्मेशन। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्रवाई कीमतों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठके के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो बुला लेते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार है, जरूरी की जरूरी तो बहुत चीज नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार है। मैं तो पहला सेशन देख रहा हूँ, मैंने आपका शिष्टाचार भी देखा। मैंने 2009 के अंदर आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर कोई बीएसई की मीटिंग नहीं हुई थी। मैंने आपके ही सारे उसके ऊपर चल रहा हूँ मैं, जो आपने डाले हुए उस मेरे ऊपर नहीं, उसके 2009 में आपने बुलाई थी और उसके अंदर कोई बीएसई नहीं। आप जो उस समय के स्पीकर होंगे ना, उनके पदचिन्हों पे चल रहे हो। नहीं नहीं, वो आपकी सरकार थी, आपके स्पीकर थे वो। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल माननीय मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रश्न है कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, विधानसभा में जेजेपी के 4 विधायक मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, के बावजूद जेजेपी के विधायक सदन में मौजूद है। जेजेपी में टूट के आसार भी अब नजर आ रहे हैं। जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग विधानसभा में मौजूद है और इसी के साथ देवेंद्र बबली भी विधानसभा में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जेजेपी के 4 विधायक सदन में मौजूद है। और ये भी आपको बताते चले कि जेजेपी का व्हिप जारी होने के बावजूद भी विधायक जो है वो 4 मौजूद है और विधानसभा में जेजेपी के 4 विधायक जो है मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, व्हिप के बावजूद जेजेपी के विधायक सदन में मौजूद है। जेजेपी में टूट के आसार भी नजर आ रहे हैं। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग विधानसभा में मौजूद है और इसी के साथ देवेंद्र बबली भी विधानसभा में मौजूद है, यानी कि 4 विधायक सदन में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जेजेपी के विधायक जो है देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, राम कुमार गौतम भी सदन के अंदर पहुंचे हैं। विधानसभा में जेजेपी के 4 विधायक मौजूद है, व्हिप के बावजूद भी जेजेपी के विधायक सदन में मौजूद है। और इसी बीच हमारी सहयोगी लगातार ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ईशा, जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और अब यह भी सामने आ रहा है कि 4 विधायक जेजेपी के सदन के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया जाए, क्योंकि जो विधायक हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शॉर्ट नोटिस में ये विधायक विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। तो ऐसे में हालांकि जो विधानसभा की कार्यवाही है उसे स्पीकर की तरफ से स्थगित नहीं, आधे घंटे के लिए स्थगित नहीं किया गया है, कार्यवाही शुरू है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से थोड़ी देर पहले ही सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले व्हिप जारी किया गया जेजेपी की तरफ से, और इसमें कहा गया कि आज जिस तरीके से बहुमत परीक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है तो इसमें जेजेपी के विधायक अनुपस्थित रहे। 3 लाइन का ये व्हिप जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर पहुंचे हैं देवेंद्र बबली जो कि मंत्री भी रहे हैं खट्टर सरकार में, और इसके अलावा राम कुमार गौतम जिनके जो कि जेजेपी की टिकट पर जरूर जीते थे, लेकिन दुष्यंत गौतम के साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था और दोनों ने बीते समय जो बजट सत्र था उसमें एक दूसरे से इस्तीफा भी मांग लिया था और
दोनों में नोकझोंक देखने को मिली थी। रामकुमार गौतम यहां पर पहुंचे हैं, उनका पहुंचना पहले भी लग रहा था कि वो जरूर पहुंचेंगे क्योंकि दुष्यंत चौटाला से वो नाराज चल रहे थे। जोगीराम सिहाग जेजेपी के विधायक हैं, वो भी अंदर पहुंचे हैं। इसके अलावा ईश्वर सिंह, चार विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, दुष्यंत चौटाला समेत 10 जेजेपी के विधायक हैं। दूसरी तरफ हिसार में नव संकल्प रैली है, आज जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये रैली की जा रही है। लेकिन जो रैली है पहले से प्रस्तावित थी, जेजेपी को भी इसका अनुमान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से खेल खेलेगी और उनके साथ गठबंधन तोड़ लेगी। तो ऐसे में जेजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। चार विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, 7 नाराज बताए जा रहे थे जिसमें 4 पहुंच चुके हैं, 3 और पहुंचते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी ने अनिल विज को मना लिया है, अनिल विज यहां पर पहुंच चुके हैं, सदन की कार्यवाही वहां पर जो विपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके द्वारा लगातार वहां पर रोकने के लिए स्थगित करने के लिए आधे घंटे के लिए मांग की जा रही थी और कहीं ना कहीं सीएम को लेकर भी सवाल दागे जा रहे थे और मनोहर लाल ने उन्हें शांत कराने की कोशिश करी और उसके बाद जो वहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वो भी वहां पर शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस अब भड़कती हुई वहां पर नजर आ सकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुख्य विपक्ष पार्टी है कांग्रेस और आंकड़ा 30 का है यहाँ पर कांग्रेस के पास। और 2019 में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे, नतीजे जब आए थे, बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी, महज 40 में सिमट गई थी। उस दौरान जेजेपी की अगर बात करें, जेजेपी और कांग्रेस की बातचीत चल रही थी कि सरकार गठबंधन में दोनों ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला ने हाथ मिला लिया बीजेपी के साथ और गठबंधन की यहाँ पर सरकार बन जाती है। और ऐसे में 30 जिस तरीके से आंकड़ा है कांग्रेस का, वो चाहते हैं कि अगर 30 के 30 विधायक अंदर पहुंचते हैं तो पुरजोर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उनका कहना है कि बीते कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी, उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू कर दिया जाए, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। सत्र की कार्यवाही जब बीते कल बुलाई गई थी तो ये बताया गया था कि सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, दोपहर 3 बजे तक ये चलेगी और देखिए 12 बजे बजने का समय होने वाला है। तो ऐसे में बहुमत भी यहाँ पर परीक्षण होना है, बहुमत साबित करना है। तो यहाँ पर लग नहीं रहा है कि जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता वो कार्यवाही को स्थगित करेंगे, लेकिन विधायकों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और कांग्रेस के तकरीबन सभी विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक हैं जो रहते हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए ये डरने की कोई बात नहीं है, बीजेपी के पास अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं जो तरीके से बीजेपी की खुद की अगर बात करें तो लगातार कहती हुई नजर आई कि अपना पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया, यानी कि उनके द्वारा ये साफ कर दिया गया था कि उनका समर्थन निर्दलीय विधायक भी करेंगे और कहीं ना कहीं अब जेजेपी के 4 विधायक पहुंच भी गए हैं। बिल्कुल, देखिए और 2019 में जब हरियाणा विधानसभा के नतीजे आए थे उस दौरान भी निर्दलियों की तरफ से समर्थन दे दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को, 40 ही सीटें निकाल पाई थी बीजेपी। लेकिन उस दौरान बीजेपी को ये डर था कि हो सकता है कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विधायक हैं निर्दलीय विधायक हैं उनको अपने खेमे में ले ले और जेजेपी कांग्रेस मिलकर और निर्दलीय विधायकों को सरकार बना ले, और यहाँ पर बीजेपी लगातार कयासरत नजर आ रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।